कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? कल हम लोग पढ़ रहे थे मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन, जिसमें बहुत सारी कैविटीज थी, मतलब लाइक दिस। अब कॉलेज में है, कॉलेज में हो क्या तुम लोग? अभी कॉलेज गए हो? हैं? ओहो, आज प्रैक्टिकल है तुम्हारा? कोई नहीं, जब तक अभी प्रैक्टिकल नहीं है तब तक तो पढ़ लो, थोड़ी देर की बात है, आधे पौन घंटे की बात है बस, फिर तुम प्रैक्टिकल कर लेना। अपन पहले वो मल्टी कैविटी रेजोनेटर जो है वो कंप्लीट कर ले, जहाँ तक हम लोगों ने कल किया था, उसके बाद हमें आज आगे करना है, ठीक है? और फाइनली जो हम निकाल रहे हैं उसको आगे और निकालना है ना। सो लेट्स सी, मैं आपको फटाफट से विजिबल कर दूँ स्क्रीन और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सेशन, ठीक है? सो आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ये मेरे पास क्या है, यहाँ तक हम लोगों ने कल किया था, एंड वी ए हम लोगों ने निकाली, दैट इज एनोड वोल्टेज हम लोगों ने कल निकाल ली थी, है ना? अब इस एनोड वोल्टेज के बाद हम आगे काम करेंगे। सो दिस वैल्यू ऑफ वी ए, वी ए इज सिंपली एनोड वोल्टेज। सो नाउ दिस वैल्यू ऑफ वी ए विल परमिट एन इलेक्ट्रॉन विल परमिट एन इलेक्ट्रॉन टू एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन, टू एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन एट अ रेडियस आर एट अ रेडियस आर विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ई, ये लिखा ना यहाँ पे ओमेगा ई, ठीक है ना? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन के लिए प्रेरित करने के लिए ये वोल्टेज लगाई जाती है एनोड पे, ताकि आपका जो पार्टिकल है वो अच्छे से रोटेशनल मोशन कर पाए। वैसे रोटेशनल मोशन मैग्नेटिक फील्ड देगा, याद रखना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगा रखा है ना परपेंडिकुलरली, वो रोटेशनल देगा, बट ये उसको परमिट करेगा कि हाँ ठीक है भाई, रोटेशन करो आप। ऐसा वोल्टेज हम लोग लगाते हैं, क्योंकि अगर आपने एनोड के ऊपर ढंग से वोल्टेज नहीं लगाया ना, तो फिर वो ढंग से राउंड नहीं कर पाएगा ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसको राउंडिंग करने के लिए हम एक प्रॉपरली वी ए प्रोवाइड करते हैं एनोड के ऊपर। इफ मैग्नेट्रॉन इज ऑसिलेट, इफ मैग्नेट्रॉन इज ऑसिलेट, इन पाई मोड। देखो ये ना जो मोड होते हैं ना, ये मोड ऑफ ऑसिलेशंस कहलाते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑसिलेशंस के मोड होते हैं। तो सबसे कॉमनली जो मोड यूज़ में लेते हैं ना हम लोग, वो पाई मोड होता है। अब देखो, अब तुम्हें अगर पढ़ाया है कि मैंने ऑसिलेशन मोड, एक टॉपिक आता है बीच में मोड ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज ऑसिलेशन मोड। अब पता नहीं तुम्हें पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने, बाकी अगर नहीं पढ़ाया है तो फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के मोड होते हैं, ठीक है, ऑसिलेशंस के। उनमें एक सबसे कॉमनली मोड होता है पाई मोड, ठीक है ना? अपन ने क्लिस्ट्रॉन में पढ़ा होगा शायद, जहाँ तक मुझे बताया मोड ऑफ ऑसिलेशंस के बारे में। एनीवे, पर ध्यान रखना मैग्नेट्रॉन के अंदर जो सबसे कॉमनली मोड काम करता है ना, वो यही मोड होता है, दैट इज द पाई मोड, इज इट? सो इन मैग्नेट्रॉन इफ ऑसिलेट इज ऑसिलेट इन पाई मोड,
देन फेज चेंज, देन फेज चेंज बिटवीन नेबरिंग कैविटी, बिटवीन नेबरिंग कैविटी इज पाई रेडियन, इज बाई रेडियन. सो फेज शिफ्ट, सो सो फेज शिफ्ट इज लाइक कॉमनली ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा एम टी. एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है फेज, मतलब एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है, तो ये फॉर्मूला होता है फेज शिफ्ट का. अब यहाँ पे जो एन है ये क्या चीज़ है, एन आर द टोटल. अब जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा टी का वैल्यू, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है ना, तो जितने रेजोनेटर आप काम में लोगे उतना ओमेगा आपका हो जाएगा. तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो एन होता है ना, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर होते हैं ये, क्योंकि मल्टी कैविटी के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे रेजोनेटर काम में लिए हुए हैं, मल्टी कैविटीज है ना इसलिए. सो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे यूज लेंगे. और यूज लेने के बाद में एक बहुत कॉमन सी चीज़ निकालोगे आप लोग, ओमेगा ई, सोल्व कर लेना इसको. अब रही बात फाई की, फाइव का वैल्यू क्या लोगे आप लोग, तो नॉर्मली आप फाइव का वैल्यू ये पुट करोगे, फाइव इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन n, 2 पाई m अपॉन n. ये m और n जो है ना ये नंबर्स हैं, सिंपल नंबर्स 1 2 3 लाइक. तो इसका वैल्यू 2 पाई m अपॉन n, कैपिटल n नंबर ऑफ रेजोनेटर है ही सही, तो ये भी आप यहाँ पुट करेंगे. और ये दोनों पुट करने के बाद में आफ्टर सॉल्विंग ओमेगा ई आपको निकालना है, ऊपर नीचे सॉल्व करने के बाद में ओमेगा ई को निकालना, बिकॉज यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है और यहाँ भी 2 पाई है, तो 2 पाई से 2 पाई हर जगह से कैंसिल हो जाएगा. और जब आप लोग ऐसे पक्षांतरण करेंगे ना, इधर का इधर करेंगे, ठीक है, तो ओमेगा ई कितना हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा एम अपॉन एन एन प्लस एम, ये निकल जाएगा ये सब सॉल्व करने के बाद. तो सिंपली इसको भी एक कोई नाम दे देना, कल आप लोगों ने पता नहीं कितनी इक्वेशंस दी थी, उसके बाद आई थिंक शायद कल हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 5 तक दे लिया था, ये हमारा 5 था, इसके आगे आप आज दे लो 6 नंबर, तो ये हो गया तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 6, ठीक है. यहाँ से आपको ओमेगा ई निकालना है. अब इस ओमेगा ई का वैल्यू 6 से उठा के और 5 के अंदर आपको पुट करना है. 5 कौन सी है, जो हम लोगों ने कल लास्ट निकाली थी, मतलब ये वाली इक्वेशन हमारी 5 थी, वी ए का वैल्यू वाली. तो इस वी ए के वैल्यू के अंदर आपको इस ओमेगा ई का वैल्यू पुट करना है, ठीक है. तो जैसे ही आप ये पुट करोगे, तो आफ्टर पुटिंग दीज आपके पास में ना एक चीज आएगी, है ना, नॉर्मली एल एन बी अपॉन ए तो था ही सही, एन माइनस बी भी था. ये जो है इस एन को आप चाहो तो अंदर ले लो, इसके अंदर ले लो, इस ब्रैकेट में ले लो, तो आर स्क्वायर बच जाएगा और फिर केवल कितना बचेगा, ओमेगा ई बचेगा, तो आर स्क्वायर तो लिख ही दो, तो ये हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओमेगा ई का वैल्यू पुट कर दो, तो ओमेगा ई का वैल्यू कितना है, ओमेगा एम अपॉन एन एन प्लस एम, ठीक है. और ये हो जाएगा एल एन बी अपॉन ए, चलो ठीक है. इसके बाद में मैंने वो ईटा को अंदर लेना था, तो ईटा को अंदर ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा केवल बी नोड माइनस, यहाँ भी ओमेगा ई था ना बेटा, तो 1 अपॉन ईटा, और ओमेगा ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा एम अपॉन एन एन प्लस एम, सिंपल. देखो कितना सिंपल है, ये ओमेगा ई था, इस ओमेगा ई के अपॉन में मैंने एन ले लिया, 1 अपॉन एन बाहर निकाल लिया और ओमेगा ई का वैल्यू मैंने पुट कर दिया.
तो मेरे पास एनोड वोल्टेज आ चुकी है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 7 नाम दे सकते हैं, मतलब सो द रिक्वायर्ड वोल्टेज वी ए द रिक्वायर्ड वोल्टेज वी ए टू ऑब्टेन सिंक्रोज्म बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एसी फील्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड अल्टरनेटिंग फील्ड देन वी चूज, ये अपन लोग एक्सपेरिमेंटली चूज करते हैं, मतलब एक चॉइस होती है आर की वैल्यू चूज करने के लिए, दैट इज आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन टू। तो ये इस तरह से चूज करते ताकि वो जो है अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड हो सके। तो अगर ये आप चूज करते हो एंड बी अपॉन ए इसको स्मॉल मानते हैं, इस तरह से चूज करके डायमेंशन हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब डायमेंशन अगर आप चूज करके चलोगे तो यहाँ पे हमारे पास एल एन बी अपॉन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा वो देखना आप लोग। एल एन ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, ये वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली पुट करनी है, ठीक है। आर का वैल्यू तो मैंने रख ही दिया, ठीक है, आर का वैल्यू आप लोग को ये पुट करना ही है, ठीक है। और बी अपॉन ए को स्मॉल ले लोगे तो फिर ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, क्योंकि मैंने सिंपली जो है वो सीरीज ओपन करी है और कुछ नहीं है, बी अपॉन ए माइनस समथिंग। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन ले लोगे तो तुम्हारा जो वी ए है वो कितना हो जाएगा, 1/2 एंड मतलब 1/2 तो बाद की बात है, पहले तो आप ये लिख दो ओमेगा एम अपॉन एन एन प्लस एम, ये तो ओमेगा ही है, फिर आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज द आर स्क्वायर, एंड एल एन बी अपॉन ए था तो उसकी जगह अप्रोक्सीमेटली आपने क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन हो गया। और ये हमारे पास जो ब्रैकेट में चल रहा है वो चल ही रहा है, बी नोड माइनस ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो तो दिस विल बी लाइक वी ए इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि इस 2 से ये कट जाएगा कैंसिल आउट, ए प्लस बी से ये कट जाएगा, तो बचा कुचा कितना मिलेगा आपको, ओमेगा एम अपॉन एन एन प्लस एम, दैट्स इट। और ये आपको ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। नॉर्मली ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसकी थ्रू ये लग जाएगा, है ना। एंड बी नोड माइनस ओमेगा एम अपॉन ईटा एन एन प्लस एम, दैट्स द आंसर। अब आपको जितना आता है उतना सोल्व कर दीजिएगा, वरना इतना ही कर दोगे तो अच्छा है। दिस इज द एनोड वोल्टेज फॉर द मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन। तो मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन के लिए इतने टाइप की होती है, ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने कल कर लिया था, थोड़ा बहुत आज कर लिया। एनीवे वैसे मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन इतना ज़्यादा आता नहीं है आपके एग्जाम में, बट फिर भी सिलेबस में है तो हमें करना तो पड़ेगा। तो
ये कल से मिला के आज तक हम लोगों ने कितना कर लिया मल्टी कैविटी के अंदर। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट से इसको। फिर मैग्नेट्रॉन के अंदर ना लास्ट चीज बनेगी मोड जंपिंग इन मैग्नेट्रॉन, इसके बाद से आपका मैग्नेट्रॉन कंप्लीटली खत्म। फिर एक लास्ट डिवाइस आपका बचेगा जिसे बोलते हैं जाइरेट्रॉन, ठीक है ना। तो वो जाइरेट्रॉन पढ़ेंगे, उसके बाद आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेट्रॉन में से बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब एक तरह से मान लीजिए कि एक पूरा एरिया कवर करता है ये। तो एक और होता है वैसे, उसको अब पढ़ो तो पढ़ो वरना कोई बात नहीं, वो भी बहुत कम इम्पोर्टेंट है, जिसे बोलते हैं ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। हेलिकल पाथ में एक होती है ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, वो भी एक थर्ड नंबर फोर्थ नंबर डिवाइस होती है। ये सब माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स कहलाते हैं, जो माइक्रोवेव को ऑसिलेट करते हैं, लाइक माइक्रोवेव ट्यूब्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो हम लोग क्या है, इन ट्यूब्स के चलते इम्पोर्टेंट से लेके आगे तक चल रहे हैं। तो आपके सिलेबस में चार टाइप की ट्यूब्स हैं, एक तो है क्लिस्ट्रॉन, एक है मैग्नेट्रॉन, एक है जाइरेट्रॉन और एक है लास्ट TWT, दैट इज ट्रेवलिंग वेव ट्यूब्स। इनके अलावा आपके सिलेबस में कुछ है भी नहीं माइक्रोवेव ट्यूब्स में, है ना। अब अपन लोगों ने साइक्लोट्रॉन, सॉरी मैग्नेट्रॉन एंड क्लिस्ट्रॉन तो पढ़ लिया, अब दो ट्यूब और बच रही है। TWT तो नेग्लेजिबल ही आता है, अब तो आता ही नहीं है वो TWT। तो फिर भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा उतना तो पढ़ा दूंगा TWT के बारे में, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब के बारे में। तो अल्टीमेटली इतना ही काम था। अब फटाफट से मैग्नेट्रॉन का एक लास्ट पार्ट और बचता है, उसको भी मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, ताकि तुम्हारा मैग्नेट्रॉन जो है वो 101% कंप्लीट हो जाए। मोड जंपिंग इन मैग्नेट्रॉन, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस यूनिट के चार पार्ट होते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट है क्लिस्ट्रॉन, यहाँ से एक सवाल परमानेंट आना ही आना है, या तो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन या फिर जो है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। दूसरा पार्ट आता है मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो मैग्नेट्रॉन है। अब एक सवाल या तो मैग्नेट्रॉन से आएगा या फिर जाइरेट्रॉन से आएगा, दोनों में से किसी ना किसी से एक सवाल आता ही आता है। पहचानने का तरीका क्या है सुनो, क्लिस्ट्रॉन जो है ना इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन और एक होता है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। अब आप ये देखेंगे कि लास्ट ईयर मतलब 2020 के अंदर रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन आया था या फिर टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन आया था। मेरे पास पेपर है तुम्हारे माइक्रोवेव का, इस माइक्रोवेव के पेपर में मैं देख रहा हूँ लास्ट ईयर जो आया था, डिस्क्राइब द टू कैविटी वाई वाई इज बी में क्लिस्ट्रॉन ट्यूब। तो इसके अंदर तो क्लिस्ट्रॉन तो आया था, इसने कहा था डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ओ टाइप ट्यूब, तो ओ टाइप ट्यूब जो होती है ना वो क्लिस्ट्रॉन ही होती है। तो तुम्हें इसमें टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, ओके, तो कन्फर्म है इस बार जो है ना तुम्हें रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन आने वाला है। तो कन्फर्म तो क्या बोलूँ, बस इतना याद रखना कि इम्पोर्टेंट लगा लेना उसको, कन्फर्म तो कुछ नहीं हो सकता, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी है। तो तुम लोग चाहो तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन को एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हो फिलहाल के लिए। और दूसरा जो सवाल आया था वो न्यूमेरिकल था TWT से, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब से, जो मैं आपको बता रहा कि जो इसका सबसे कम इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, TWT, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। तो इससे न्यूमेरिकल आ चुका है लास्ट ईयर, तो इस बार चांसेस हैं कि नेग्लिजिबल ही ये इम्पोर्टेंट हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग ना इनके ऊपर फोकस करना, किनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, इनमें से कोई ना कोई सा एक सवाल आएगा, या तो मैग्नेट्रॉन से आएगा या फिर जाइरेट्रॉन से आएगा। एक तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको घोट के पी लेना ढंग से, क्योंकि ये तो आना ही आना है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन मेरे हिसाब से। और फिर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इस यूनिट से, वो या तो मैग्नेट्रॉन से आएगा या फिर जाइरेट्रॉन से आएगा, इन दोनों में से कोई ना कोई सा एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। यूनिट नंबर जो लास्ट हमने पढ़ी, आपको शायद पता नहीं है, मैंने भी तो बताया नहीं है, हम लोग दो यूनिट पढ़ चुके हैं, ये थर्ड यूनिट चल रही है। इस थर्ड यूनिट के बाद में हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग सेक्शन बी में आएंगे, क्योंकि चार यूनिट होती है,
हम चार में से तीन ही पढ़ते हैं, ठीक है, और उन तीन में से चार सवाल आपको आराम से मिल जाते हैं। जो एक यूनिट हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जो एक यूनिट हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उस एक यूनिट में से एक सवाल आता है। तो आप लोग को पांच सवाल के ऑप्शन मिलते हैं, आप लोग चार सवाल आराम से ढूंढ सकते हो मेरे पढ़ाए में से। आपको तीन सवाल करने होते हैं, अगर एक आध न्यूमेरिकल ढंग का आ गया तो मैं न्यूमेरिकल नहीं हुआ तो तुम छोड़ सकते हो उसको, बाकी तीन सवाल तुम आराम से कर सकते हो। तो अल्टीमेटली जो लास्ट यूनिट हम लोगों ने पढ़ी ना, उसमें रेजोनेटर का एक पार्ट हमने पढ़ा था। रेजोनेटर में ना सिलेंड्रिकल रेजोनेटर आ चुका है, तो अल्टीमेटली जो है रेक्टेंगुलर रेजोनेटर की बात हम लोग करने वाले थे। तो रेक्टेंगुलर रेजोनेटर जो है ना, वहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मतलब। तो रेक्टेंगुलर रेजोनेटर ढंग से पढ़ लेना एक बार ढंग से ना, और रेक्टेंगुलर वेव गाइड हमेशा इम्पोर्टेंट होती है, बट इस बार तुम लोग सर्कुलर वेव गाइड भी ढंग से देखे ना, क्योंकि लास्ट ईयर रेक्टेंगुलर वेव गाइड आ चुकी है। रेक्टेंगुलर वेव गाइड हर बार आती है, बट मेरे हिसाब से तुम्हें रेक्टेंगुलर वेव गाइड के साथ साथ सर्कुलर वेव गाइड के ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि सर्कुलर वेव गाइड का आया नहीं है सवाल। न्यूमेरिकल जो है रेक्टेंगुलर से ही आया था, और डेरिवेशन भी रेक्टेंगुलर का ही आया था पिछली बार, ठीक है ना। तो एनीवे फिलहाल हम लोग फटाफट से मैग्नेट्रॉन का लास्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, ताकि तुम्हारा मैग्नेट्रॉन जो है ना वो एक बार कंप्लीट हो जाए। ये साइक्लोट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, जाइरेट्रॉन, ये सब तुम्हारी कैटेगरी में आ ही जाएंगे। तो जाइरेट्रॉन हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे, एंड पॉसिबली इस वीक में मतलब 26 जनवरी से पहले पहले मैं आपको जाइरेट्रॉन कंप्लीट करवा दूंगा। और इस मंथ में मतलब जनवरी ख़त्म होने होते होते मैं तुम्हें कंप्लीट यूनिट करवा दूंगा ये वाली। तो फेबररी से हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट कर सकते हैं आराम से, और पूरी फेबररी में मैं तुम्हें सेक्शन बी भी करवा दूंगा, ठीक है। तो माइक्रोवेव ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी। तो मोड जंपिंग ये पॉसिबली मेरा टारगेट है, अब पता नहीं कितना हो पाता है देखो। तो लास्ट टॉपिक लिख लो आप लोग, मोड जंपिंग, क्योंकि सेक्शन बी ना इतना बड़ा नहीं है एक्चुअली में, क्या है सेक्शन ए बहुत बड़ा है। मेरा ये टारगेट रहता है कि सेक्शन ए में से तुम्हें चार सवाल मिल जाएं, और उन चार सवाल में से आप तीन सवाल कर लो, तो सेक्शन बी से तुम्हें केवल दो ही सवाल करने की हेडेक रहेगी। तो सेक्शन ए से चार सवाल, तीन सवाल कर लो, सेक्शन बी से तुम दो सवाल कर लो, हो गए तुम्हारे पांच सवाल। सो व्हेन अ मैग्नेट्रॉन, चलो फटाफट इसको देख लेते हैं। व्हेन अ मैग्नेट्रॉन ऑपरेट अंडर पाई मोड, ऑपरेट नॉर्मली पाई मोड में ही करता है वो ऑपरेट, गिव मैक्सिमम आउटपुट, गिव। तो जैसे आप उसको पाई मोड में ऑपरेट करवाओगे ना, तो मैक्सिमम आउटपुट देगा आपको, गिव द मैक्सिमम आउटपुट पावर एंड डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी, एंड डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी। नॉर्मली मैग्नेट्रॉन हैव, मैग्नेट्रॉन में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली मैग्नेट्रॉन हैव एट कपल्ड कैविटी। अब मुझे फरवरी में ख़त्म करना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ना मुझे मार्च में तुम्हारा सॉलिड वाला काम करवाना है, याद है। अभी हमारी सॉलिड बच रही है, सॉलिड का कुछ पढ़ाना है मुझे, एंड सेवरल डिफरेंट मोड, तो मुझे वो सॉलिड तो कंप्लीट करवानी है, एंड सेवरल डिफरेंट मोड ऑफ ऑसिलेशन, सेवरल डिफरेंट मोड ऑफ ऑसिलेशन एंड करस्पॉन्डिंग ऑसिलेटरिंग फ्रिक्वेंसी एंड कोरस्पॉन्डिंग ऑसिलेटरिंग
फ्रिक्वेंसी oscillating frequency are not same for different resonator are not same for different इसका मतलब समझे मैंने क्या लिखा है पढ़ो एक बार ढंग से फिर वापस समझो केवल इतनी सी बात है रेजोनेटर को हम लोग मैग्नेट्रॉन को हम लोग पाई मोड में कराते हैं ऑपरेट नॉर्मली बट हम लोग ये बात जानते हैं कि कम से कम उसमें मतलब 8 कपल्ड रेजोनेटर तो लगे ही होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है अगर आप एक रेजोनेटर में से दूसरे रेजोनेटर में जाओगे तो कहीं ना कहीं उसके जो ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी वो अलग होगी चेंज होगी हर मोड में सेम नहीं होती है ना हर एक रेजोनेटर में अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है ऑसिलेटरी ठीक है ना पहले वाले रेजोनेटर में कुछ और फ्रिक्वेंसी रहेगी दूसरे वाले रेजोनेटर में कुछ और फ्रिक्वेंसी रहेगी तो पाई मोड जो है ना वो मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है ठीक है ना पाई मोड को मेंटेन करना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि हम लोग अलग अलग रेजोनेटर में काम करते हैं यही जो कंडीशन है ना वो मोड जंपिंग कहलाती है तो पाई मोड जंप कर जाता है कभी कभी दिस कंडीशन इज नोन एज मोड जंपिंग क्योंकि अलग अलग मोड में काम करना पड़ता है अलग अलग रेजोनेटर को इसलिए वो मोड जंप तो दिस कंडीशन दिस कंडीशन इज नोन एज मोड जंपिंग मोड जंपिंग टू अवॉइड मोड जंपिंग अब इसको खत्म करने के लिए अब ऑब्वियसली बात है पाई मोड तुम्हारा मेंटेन हो ही नहीं पा रहा अलग अलग रेजोनेटर में अलग अलग मोड आ रहा है तो इसको हमें खत्म करना पड़ेगा ना तभी तो वो प्रॉपरली काम करेगा पाई मोड में मेंटेन कराना है ना तुम्हें इसको तो टू अवॉइड मोड जंपिंग स्ट्रैपिंग टेक्निक यूज तो स्ट्रैपिंग टेक्निक हम यूज करते हैं स्ट्रैपिंग टेक्निक इज यूज अब ये होती क्या है स्ट्रैपिंग टेक्निक सो इन स्ट्रैपिंग टेक्निक इन स्ट्रैपिंग टेक्निक टू रिंग वायर टू रिंग वायर्स आर कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग कैविटी मतलब एक के बाद एक कैविटी में अपन अल्टरनेट करके उसको वायर को जोड़ देते हैं आर कनेक्टिंग कनेक्ट्स कनेक्टेड लिखो कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग कैविटी एक के बाद एक जो कैविटी उसमें वायरिंग जो करते हैं पर रिंग वायर है अल्टर यार ये स्पेलिंग भी गलत हो गई अल्टर नेटिंग कैविटी एंड फॉर पाई मोड एंड फॉर पाई मोड द अल्टरनेट कैविटी दैट इज पोल द अल्टरनेट कैविटी इसको या फिर आप बोल सकते हो पोल शुड बी इन सेम फेज विद ईच अदर शुड बी इन सेम फेज विद ईच अदर समझे इसका मतलब समझो इधर पाई मोड में क्या होता है जैसे मान लो ये पहली कैविटी है ये दूसरी कैविटी है ये तीसरी कैविटी है तो पाई मोड इसे बोलते हैं तो पाई मोड में क्या होता है पहली कैविटी और तीसरी कैविटी का जो फेज होता है ना वो सेम होता है दिस इज कॉल्ड पाई मोड ठीक है ना और अल्टरनेट मतलब कि एक के बाद एक अल्टरनेट सॉरी एक के बाद एक जो पाई मोड होगा ना उसमें एक के बाद एक फ्रीक्वेंसी होगी ना वो सेम होगी इसको गलत बना दिया मैंने
तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं क्या बनाने वाला था, मैं तो भूल गया, ये जो पहली कैविटी होती है ना, इस पहली कैविटी को तीसरी कैविटी से रिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरी कैविटी को चौथी कैविटी से रिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो अल्टरनेट जो कैविटीज होती है ना उनमें सेम फेज आ जाता है ड्यू टू दिस कंडीशन। तो ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया मैंने, बहुत डिटेल नहीं करवाया मैंने आपको, क्योंकि अगर कभी आ जाए मान लो मोड जंपिंग तो तुम लोग कुछ तो लिख पाओ इसमें, दैट्स वाई। एनीवे मैग्नेट्रॉन जो है इतना तो कंप्लीट है, अब जाइरेट्रॉन बचता है तुम्हारा। जाइरेट्रॉन मैं आपको 2 से 3 दिन में करवा दूंगा, और अगर कुछ कोशिश रही तो जाइरेट्रॉन के बाद मैं 26 जनवरी के पहले पहले मैं आपको ये यूनिट कंप्लीट करवा दूंगा, ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सो कल मिलते हैं जाइरेट्रॉन के साथ। ठीक है, अटेंडेंस और ले लो।